हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आप देख रहे हैं मम्मा ब्लॉगर। तो देखिए, मम्मा ब्लॉगर में आज बन रही है लौकी का हलवा। तो इसके लिए हमने एक लौकी ली है, उसे छील ली अच्छे से और इसे धो लिया है पानी से। अच्छा, तो आप पहले इसे खूब अच्छे से धो लीजिए, फिर इसे हम छोटे वाले कद्दूकस से इसे कद्दूकस से इसे ग्रेट करेंगे, फिर इसे हम बनाएंगे। तब तक हम इसे ग्रेट करते हैं। देखिए, हमने लगभग सारी लौकी घिस ली है, थोड़ा पार्ट रह गया है, बस वही घिसना बाकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हमने इसे घिस के तैयार कर लिया है। अब हम जाएंगे अगले प्रोसेस के लिए। देखिए, अब हमने गैस गैस पर ये कढ़ाई रख दी है। इसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे। अब घी को मेल्ट होने देते हैं। देखिए, घी अच्छे से मेल्ट होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे लौकी। लौकी को हमने निचोड़ लिया है थोड़ा, जिससे ये जल्दी हो जाए। ये देखिए, अब हम लौकी को इसमें भूनेंगे। तो देखिए, अब हम इस लौकी को इस घी में भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। भूनने से ना लौकी का टेस्ट पड़ जाएगा और हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इसे हम करीब 5 मिनट तक भूनेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए लिड से ढक देंगे, जिससे ये जल्दी से पक जाएगी। अब हम बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए, देखो निचोड़ने से क्या होता है, ये लौकी का हलवा ना जल्दी से रेडी हो जाता है। वरना इसमें पानी होता है तो इसे पानी को सूखने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी तरफ गैस पे हमने चढ़ा दिया है दूध गर्म होने के लिए, तो वो दूध हम इसमें डालेंगे। अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे, फिर इसमें हम गर्म दूध डालेंगे। ये देखिए, लौकी हमारी हल्की हल्की सी गलने लगी है। अब हम लिड को फिर से ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। देखिए, हमारी लौकी देखिए दूध कितना ठीक हो चुका है। ये देखिए, दूध कितना कम हो गया है ना। तो इसे अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है। जब ये दूध बिल्कुल सूख जाएगा, फिर इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच मलाई, घर की मलाई, क्योंकि खोया नहीं है तो खोए की जगह पे हम मलाई डाल सकते हैं। मलाई से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा और टेक्सचर भी बढ़ जाएगा, एकदम क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। तो अभी जरा सा और सूख जाए, जब ये दूध और सूख जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे करीब 4 चम्मच मलाई। अगर बड़े चम्मच है तो आप 2 डालिए। ये देखिए, ये बस इतनी काफी है। और इसी साथ हम डालेंगे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे जिससे। और इसी स्टेज पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, जितना आपको टेस्ट ज्यादा चाहिए तो ज्यादा इलायची का भी पाउडर डाल। हमने थोड़ा सा डाला है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा खुशबू आनी चाहिए, इतना ही उन्हें अच्छा लगता है। तो अब हमने मलाई डाल दी, अब हम इसे चलाएंगे। देखिए, मलाई अच्छे से मेल्ट हो गई है और सारे ड्राई फ्रूट्स और हमने इलायची का पाउडर डाल दिया। अब इसे हम बिल्कुल सुखाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। इसमें डालेंगे हम 1 पिंच कलर, ग्रीन कलर। इससे ना इसका हलवे का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए,
ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा, एक हरा हरा कलर सा आ जाएगा कि लौकी इतनी हरी होती है तो हलवा भी थोड़ा वैसा ही होना चाहिए। ये देखिए बस हमें इतना ही कलर डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसे अच्छे से मैश मिला देंगे। अब इसमें इसी स्टेज पे हम डालेंगे चीनी, तो चीनी है 1/3। देखिए एक कप से थोड़ी सी कम चीनी हमें डालनी है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर आप लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज्यादा डालिए, और थोड़ी कम करते हैं तो थोड़ी सी कम डालिए। अब चीनी डालने के बाद ऐसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, जैसे ये चीनी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ये देखिए हलवा तैयार है। बस इसका बिल्कुल इसकी जो हमने चीनी डाली थी वो मेल्ट हो गई थी, तो उसकी वजह से थोड़ी चाशनी चाशनी लग रही थी, वो भी पानी सूख गया है। हलवा के कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी स्टेज पे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे अब परोसेंगे बाउल में। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए अब हमने इसे बाउल में निकाल लिया है, और इसमें थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और आप लोग भी घर पर बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू।